पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में घरों में आग लगाकर हुए 10 लोगों के बर्बर हत्याकांड के बाद सियासी माहौल गर्म है। टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा में 10 लोगों की मौत हो चुकी है और ममता बनर्जी सरकार पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। अब इस मामले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू करने का आग्रह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से किया है। उन्होंने कहा है कि घटना की जांच के लिए जो SIT गठित की गई है उसका कोई फायदा नहीं है और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमराती जा रही है। बंगाल में लोग अब खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। बीरभूम हिंसा मामले को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात करने की भी बात कही है। वहीं इस मामले में गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। खबरों के अनुसार बीरभूम जिले में हुई हिंसा की घटना को लेकर गृह मंत्रालय काफी सख्त है और उसने 72 घंटे के अंदर ही राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी जल्द ही बंगाल का दौरा भी करेंगे। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं बीरभूम जिले की इस घटना पर भारत के राष्ट्रपति से मिलूंगा और उन्हें राज्य में अनुच्छेद 355 पर विचार करने का सुझाव दूंगा, क्योंकि राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, लोग बंगाल में असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। गौरतलब है कि अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए हस्तक्षेप करे। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 9 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचा और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुरहाट इलाके में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता बहादुर शेख की हत्या के बाद भीड़ ने कई घरों में आग लगा दी। आग लगाने के बाद कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। भाजपा ने बीरभूम की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग भी की है। इस बीच पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय ने बताया कि मामले में अब तक 11 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। उन्होंने आगे कहा कि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन भी किया गया है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।